नक्सलियों के सुर कहां विकास के लिए काम कराओ, अनाज की बोरियों पर पानी के छिड़काव, दिन दहाड़े हो रहा है भ्रष्टाचार, नाबालिग की हत्या कर शव को शत विशत करने की कोशिश। अब खबरें विस्तार से। नई सरकार आते ही बदले नक्सलियों के सुर, कहा विकास के काम कराओ। बीजापुर प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब नक्सल संगठन ने सरकार के विकास कार्यों की मांग की हो। नक्सलियों ने पर्चा फेंक कर सरकार के सामने 17 सूत्रीय मांगे रखी है। नक्सलियों ने किसानों की कर्ज माफी, समर्थन मूल्य, पुलिस कैंप को हटाना, संविदा शिक्षकों के वेतन और शिक्षकों की कमी जैसी अनेक मांगों को लेकर सरकार के सामने रखी है। अनाज की बोरियों पर पानी के छिड़काव, दिन दहाड़े हो रहा है भ्रष्टाचार। फतेहाबाद बिघड़ रोड पर अनाज से भरी बोरियों पर पानी छिड़काव का वीडियो वायरल हुआ है, जहां युवक पानी के पाइप के सहारे ट्रक पर रखी अनाज की बोरियों पर पानी का छिड़काव कर रहा है। नहर किनारे कटे मिला नवजात बालिका का शव, शत विशत करने की कोशिश। करनाल काछवा रोड पर नहर किनारे डबल कट्टे में नाबालिग का शव मिला है। नाबालिग की हत्या कर शव को शत विशत करने की कोशिश है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए MNS हिंदी ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए।